अरे मेरी बहन, छोटी सी चोट थी, जरा सी चोट थी, इतनी महंगी साड़ी का क्यों नुकसान कर दिया? खराब हो गई ना आपकी साड़ी? इस पर द्रौपदी ने जवाब दिया, भैया ए हो भाई घनश्याम, आपके जो आवे काम, नसे चीर दूं ये तो रेशम के धागे हैं। मैं तो अपनी नसों को काट दूं भैया आपके लिए, ये तो केवल धागे थे रेशम के, इसके लिए क्या चिंता। धागे हैं पुराने, इन्हें कहां अधिक माने हम, दुल्हन के जोड़े हैं ना दुल्हा के भागे हैं। ना कोई दुल्हा का भाग्य है, ना कोई दुल्हन का गठजोड़ है ये। मैंने कहां फाड़ा चीर, द्रौपदी कह रही मैंने नहीं फाड़ा भैया ये, मैंने कहा फाड़ा चीर, देख कर प्रभु की पीर, हो गए अधीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं, और वे हैं अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, कटी अंगूरी पे लागे भाग उन्हीं के जागे हैं। अरे दाम तो बढ़ गया उनका जो आपकी उंगली पे लगे, और सस्ते तो हो गए वो जो इस साड़ी से अभी तक बंधे हुए। आप महंगी साड़ी कह रहे हैं, अनमोल हो गए ये चार धागे जो आपकी उंगली के काम आए, आपकी चोट के काम आए, आपकी सेवा के किसी लायक बने। माताओं बंधुओं, उन चार धागों का ऋण कन्हैया के ऊपर चढ़ गया था, और जब भरी सभा में आज पांचों पतियों ने दांव पे लगा दिया और दुशासन खींच के लाया भरी सभा में, और ला करके द्रौपदी जी की मर्यादा का हनन करने का प्रयास किया, तो द्रौपदी ने भी बड़ा प्रयास किया जैसे उस गज ने प्रयास किया था, बड़ा प्रयास किया, लेकिन 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, द्रौपदी कहां टिक पाती। अंत में समझ गई कि अब मेरे बस में कुछ नहीं है, तो क्या किया, कथा आती है पहले तो द्रौपदी ने अपने आंचल को अपने दांतों से कस के एकदम दबा लिया दांतों से, लेकिन दुशासन खींचने का प्रयास कर रहा है, अंत में सोचा कि ठीक है अब भगवान ही लाज बचाएंगे यदि है तो, और अंत में अपनी उस आंचल को स्वयं अपने दांतों से छोड़ दिया और ललकार के दुशासन से कहा, दुशासन खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरे जोर में कमी ना रह जाए दुशासन, जितनी ताकत लगा सकता है लगा के खींच ले आज। खींच दुशासन जोर लगाई के, तेर हमार जो ओ सुनी पई है, भौजी की गोद में हुई है तब विश्वास हमें हरी नाही भूलई है, तेर सुने ना बेर लगे रही आमे कतौ थिर ना रही पई है, और नार नदी बन डाकत रे बन के हिर ना बिर ना चली आई है। जैसे हिरन दौड़ता है संगीत की आवाज सुन के, वैसे मेरी पुकार सुन के मेरे भैया दौड़ के आएंगे, सब कुछ त्याग करके आएंगे, मुझे इस बात का विश्वास है, तो खींच जितना लगा सकता है। और माताओं बंधुओं क्या हुआ, ललकार तो दिया दुशासन को, किंतु अभी कन्हैया आए नहीं। देखिए मैं कई बार इस दृश्य को उस आज के युग से जोड़ता, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को फोन पे फोन करें, फंस गए हैं आप, फोन पे फोन कर रहे हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, और वो फोन ना उठाए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, हर कॉल के बाद आपके मन की भावना उसके प्रति बदलती जाएगी। पहली बार विश्वास से करेंगे, दूसरी बार थोड़ी छटपटाहट, तीसरी बार संशय होगा कि तीन तीन कॉल देख लिए उठा क्यों नहीं रहे, चौथी बार और लगेगा कि भैया ये कैसी मित्रता है, ये कैसा संबंध है, मैं यहाँ फंसा हुआ फोन, और क्रोध बढ़ेगा और भावना परिवर्तित होगी। अब द्रौपदी ने कहा ऐसा है भैया, किसी प्रकार आज लाज रख लो, और भैया मैं तो जानती हूं कि आप सारे संसार के भगवान हो, सारे संसार का ध्यान रखना आपके
सारा उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। तो भैया ऐसा है कि मैं आपकी बहन भी आज कष्ट में हूं, और आपकी बहन की लाज चली जाएगी तो आप कितने बड़े संसार के स्वामी हो, तो क्या उससे अर्थ निकलेगा भैया। तोहरे जियत तोरी बहनी उहारी होली, धाई धूप अपन पीताम्बर उड़ाई दे, और आज सब जान ले के करी बहनी हम, भाई तनी इन्हन का मद भूलवाई दे। जान ले आज कि मेरे भाई में क्या ताकत है, छोटी छोटी नाही तोरी बड़ी बड़ी बाह बाटे, एक ते एहर एक ओहर बढ़ाई दे। अरे भैया मैं जानती हूं कि संसार में कोई अकेले मैं ही दुखी थोड़ी हूं, लेकिन आज वास्तव में मैं बहुत दुखी हूं, और मान लीजिए कोई और भी मेरे साथ दुखी हो ना, तो हम हूं से ढेर यदि विपत्ति में हो एको, इतना कहब दोनों साथ निपटाई दे। आज उसको भी देख लो, मुझको भी देख लो, बहुत पीड़ा है भैया, जल्दी आओ, जल्दी मदद करो, समय नहीं है। भगवान अभी तक नहीं आ पाए। द्रौपदी का भाव बदलता जा रहा है। भैया आपको ये नहीं पता कि आज क्या स्थिति बनी है, जब मेरी मर्यादा चली जाएगी तभी आप आओगे क्या? और सुनो, यदि आज नहीं आए ना भैया, तो फिर कभी आने की आवश्यकता नहीं, आज यदि आप मदद नहीं करते हैं तो। गाढ़े में जो पिस रही हो हमें तो, जातो हो से हम बोलब नहीं। चंद्रशेखर मिश्र जी बनारस के कवि भोजपुरी में लिख रहे हैं उस बहन की पीड़ा। गाढ़े में जो पिस रही हो हमें तू, जातो हो से हम बोलब नहीं, और तू बहिनी बहिनी कही ब्या, हम नात कबहु फेरी चोरब नहीं। सावन में तोहे बाने बधे, जरी फेरी तालु में भोरब नहीं। सब पूर्वांचल की प्रथाएं हैं। पूस में ले खिचड़ी आई ब्या, गठरी सरी जाए पैखोरब नहीं। बहन के लिए भाई खिचड़ी लेकर के आता है। भैया मैं बोलूंगी नहीं, संबंध सारा तोड़ दूंगी। और भैया तीज परे त्योहार परे, बिरना फिर धोती मंगाऊ बुनाही। आज यदि मदद नहीं कर सकते धोती की, तो फिर नहीं चाहिए मुझे आपकी कभी भी कोई सहयोग। आन के हागे भले झुकी ब्या, तुझसे किछु भी फरमाऊ बुनाही। दूसरे के आगे भीख मांग लूंगी मैं, आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। आन के आगे भले झुकी ब्या, तुझसे किछु भी फरमाऊ नाही। मोर बधे भगिना के सिरे, इमली तुझसे घुटवाऊ नाही। और पूत बियाहिन तू चली ब्या, हम काजर आंख लगाऊ नाही। मैं आऊंगी नहीं भैया, बालक का विवाह होगा तू भी मुझे नहीं पाओगे वहां। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि प्रद्युम्न का विवाह हो गया तो समझ रहे हो कि काम बन गया। एक प्रद्युम्न ना रही है, अब ही बेटी आप बड़ हुई है। सॉरी पुताए पदे हमका तोहे भेज के भौजी जरूर बुलाई है। ये भी पूर्वांचल की प्रथा है, प्रसूति ग्रह की सफाई करती है बहना करके। तोने दिना हम जा बैना, पुरखा भी तोहार बोलाब न पई है। और तू हथवा गुड़वा जोड़ी ब्या, पर सौरी बिना पुतले रही जई है। आप हाथ पैर जोड़ते जोड़ते थक जाओगे, मैं नहीं आऊंगी भैया। आज यदि नहीं आए तो फिर क्या अर्थ निकला। माताओं बंधुओं, द्रौपदी पुकार रही है भगवान को, भैया आ जाओ, किसी प्रकार आ जाओ। तब तक क्या हुआ माताओं बंधुओं, भगवान को वहां जैसे कोई 10 मिस्ड कॉल एक साथ देख ले, तो उसकी जो स्थिति हो, कितने एक साथ मिस्ड कॉल आ गए, क्या कारण बन गया। भगवान दौड़े अपनी बहन की पुकार में, और जब दौड़े ना तो गरुण भगवान बाहर खड़े थे। तो गरुण भगवान ने कहा, प्रभु कहाँ चलना है, बड़ी जल्दी में लग रहे हैं। अरे बैठिए, मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। भगवान को लगा, देखिए
इन गरुण देव को भी गति देने वाला मैं हूं, और ये मुझसे कह रहे हैं कि जल्दी छोड़ दूंगा। आज मुझे गरुण देव पे बैठने का भी समय नहीं है, इतना भी मैं व्यर्थ नहीं कर सकता। और दौड़े और गरुण पीछे से कह रहे हैं, कहले गरुण मोरी पीठिया संहारी देव। देख कवि लिख रहे, कहले गरुण मोरी पीठिया संहारी देव, चार पंख मारी के आकाश उर भाई देव। चार पंख में तो सब पार कर जाऊंगा, छोटी मोटी तरई की गिनती कर वो नाही। तरई माने आकाश। चोचन से मार चाल सूरज हटाई देव, अमृत कुंभ बचपन में लवली हम, आज तो जबानिया जबानिया दिखाई देव। बनीता का पूत तब जानी हो कन्हाई, जब द्रौपदी के आगे पल भर में जुटाई देव। तब मानना, एक क्षण में भी पहुंचाता हूं द्रौपदी के पास, बैठिए। तो भगवान ने कहा, इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं आपके ऊपर बैठने में समय गवाऊं। दौड़ रहे हैं और चंद्रशेखर जी लिखते हैं कि आन के ना बहनी की गुहारी में, भाई चला फिर काहे मुड़े रे। रुकने का समय नहीं, मेघ फटे रवि चंद छटे, मिलके तरई बिछड़े पछड़े रे। लोग निहारी रहे आसमानों में, तीनों विमान समान उड़े रे। आज ऊपर क्या दृश्य है, आगे पीतांबर, सबसे आगे पीतांबर है। मानो कन्हैया सोच रहे हैं कि अरे मुझे भी यदि जाने में थोड़ी देर हो जाए तो मेरे पीतांबर आप पहले पहुंच के मेरी बहन की लज्जा बचा देना। आगे पीतांबर बीच में कान, पेछाड़ी बेचारे खगेश उड़े रे। जो कह रहे थे कि मैं छोड़ दूंगा, सबसे पीछे हो गए। और माताओं बंधुओं, भगवान आए, और जब भगवान उस सभा में आए ना, तो आकर के द्रौपदी से कहते हैं, मेरी बहन जो तुमको इतना कष्ट सहना पड़ गया पुकार में, जो थोड़ा सा विलंब हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ बस, और अब मैं आ गया। देखिए माताओं बंधुओं, और कहते हैं द्रौपदी, कान कहे भरी आंखी लख है कि बहनी की गुहारी में भाई खराबा। आ गया हूं मैं, और आचल भारी तू ही बंध लो, अब ही अंगूरी पे निशानों पर आवा। आज भी वो निशान अभी तक है, आपने बांधा है। बहनी तुहारो बड़ा रीनिया, कर्जा पढ़ ले पढ़ सूद चढ़ावा, और लाज ता खाली ब्याज मेरा खब, मूर तोहार परा का परावा। आपका इतना ऋण हो गया है कि जो ब्याज उस ऋण का है उससे आपकी लज्जा बच जाएगी। मेरी बहन, मूलधन अभी भी आपका वैसे का वैसे ही, आपका ऋण अभी भी मेरे ऊपर उतना ही है, उतरेगा नहीं कभी वो ऋण। तो द्रौपदी ने कहा, भैया कैसे बचाओगे ये तो बताओ, क्या करोगे? बहन की लाज बचानी है। कन्हैया बोलते हैं, ये भाई के ऊपर छोड़िए ना, हम कैसे बचाएंगे, हमें छोड़िए, आपको उसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। भैया कुछ तो बताओ क्या करोगे। भगवान कहते हैं, मेरी बहन द्वारिका बेचब जाई कुबेर कहे, ओकर सारी की गांठ मंगाऊ ब्या। सारी द्वारिका बेच दूंगा, आपको साड़ी की कमी नहीं पड़नी चाहिए, तब भी मान लो हो जाएगा। चूके इते रधवा का नीलंबर, फेरी चोराई तो है पहरऊ ब्या। जो इतने पे नहारे दुशासन, तो अंत अचूक उपाय लगाऊ ब्या। कि छोरी पीतांबर ढाक बुलाज, तो हे बदे आज दिगंबर होई ब्या। पहले मेरे शरीर से वक्त जाएंगे मेरी बहन, तब अब मेरी बहन की लाज पे कोई बात आएगी। पहले मैं दिगंबर होऊंगा, मेरा पीतांबर जाएगा, फिर मेरी बहन की लाज। और उसी समय माताओं बंधुओं, उसी भरी सभा में भगवान ने प्रण ले लिया था कि आज मेरी बहन के ऊपर इतना अत्याचार ये सब होते हुए सब देख गए, तो धर्मो धुरंधर जीती है रे, कुरुक्षेत्र में कौरव हारत देखो। जो लोग कुरुक्षेत्र में अन्याय की बात करते हैं, भगवान के छल की बात करते हैं,
अमर्यादित बातें करते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया और ऐसा दिमाग लगा दिया और मर्यादा नहीं। मर्यादा का सबसे पहले तो हनन सभा में कर दिया सबने, एक स्त्री की लज्जा पे हाथ डाल के। जो सबसे बड़े अमर्यादित है वो मर्यादा की बात कर रही है। आज भगवान ने यही संकल्प लिया, धर्म धुरंधर जीती है रे कुरुक्षेत्र में कौरव हारत देखूं, और वीरन के कछु सूझी है ना रन जूझी है धूरी में गारत देखूं। रे बहिनी भरी आँखें तू यही भारत में महाभारत देखूं, और इते सुने धृतराष्ट्र के सौ सौ पिंड अकेले ही पारत देखूं। ये अंधा धृतराष्ट्र सौ सौ पिंडदान स्वयं करेगा आज, जिसकी सभा में मेरी बहन आपकी लज्जा पर हाथ आया। और माताओं बंधुओं, जहां पांच पांच पति बैठे थे कुछ नहीं कर पाए, 10,000 गज